आज हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जी जी से पहले कौन सा अक्षर आता है, या जी के बाद कौन सा अक्षर आता है, या दसवां अक्षर कौन सा होता है, या दसवें अक्षर के बाएं चौथा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और इसको जो है कि हम कैसे मेमोराइज करते हैं, कैसे याद करते हैं, उसको हम सीखेंगे आज और जानेंगे। और ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ यहाँ पे आप ए से लेकर के ए से जेड तक का लेटर्स हैं। इस लेटर्स को हम ए को एक और बी को दो, सी को तीन, डी को चार, ये कोडिंग किया गया है। यही होता है, क्रमिक होता है। ए पहला स्थान पे आता है, बी दूसरे स्थान पे, इस तरह से जेड 26वें स्थान पे आता है। तो यदि हम बाएं से दाएं की ओर बढ़े, बाएं से दाएं की ओर बढ़े, तो वह फॉरवर्ड ऑर्डर कहा जाता है। यदि दाएं से बाएं की ओर बढ़े, दाएं से बाएं की ओर बढ़ेंगे, तो वो बैकवर्ड ऑर्डर में आता है। तो इसको हम वैसे भी बोल सकते हैं, जैसे बाएं से दाएं जाना हो तो ए का पहला स्थान एक, या दूसरा स्थान बी, तीसरा स्थान सी, चौथा स्थान डी है, पांचवा स्थान ई है, इस तरह से 26वां स्थान जेड का है। तो इसी तरह से हम इसका बैकवर्ड भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बैकवर्ड। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं बैकवर्ड क्रम, बैकवर्ड ऑर्डर क्या है। यहाँ पे जेड से लेकर के ए तक, जेड से यहाँ पे जेड से ए तक दिया गया है, जिसे जेड को एक, वाई को दो, एक्स को तीन, डब्लू को चार, बी को पाँच, इस तरह से यहाँ ए को 26वां क्रम दिया गया है। मतलब ये विपरीत है, विपरीत क्रम में जेड पहला स्थान हो जाएगा और सीधा क्रम में पहला स्थान ए होगा। तो इस तरह से ये क्रम आपको देख लेना है एक बार अच्छी तरह से। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए 26वां स्थान है, बी 25वां स्थान है, मतलब क्रम को भी आप विपरीत लिख सकते हैं या लेटर्स को विपरीत लिख सकते हैं। किसी तरह आप लिख करके इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये कैसे होता है, बैकवर्ड ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर कैसे होता है। तो चलिए इसका हम कुछ ट्रिक जानते हैं क्या है इसका। तो चलिए दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है देखिए, यदि बाएं से यदि हमको जाना होगा तो ई जो टी हम ले सकते हैं। इसका ट्रिक, ई 5वां और जे 10वां स्थान है, ओ 15वां स्थान है, और टी 20वां स्थान है, और वाई 25वां स्थान है। यहाँ पे पाँच पाँच के अंतराल पे ये गया है, पाँच पाँच के स्थान पे गया है, और देख सकते हैं कि ये आसान भी होगा याद करने के लिए। ई जो ती तो आप याद कर सकते हैं, ई 5वां स्थान, जे 10वां स्थान, और ओ मतलब 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ई जो ती आराम से याद हो जाएगा। और दाएं से यदि बाएं की ओर जाना हो तो इसके लिए बी जी एल क्यू भी इसका एक ट्रिक है, जो हम दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भी भी है, तो भी 5वां स्थान हो जाएगा, और क्यू 10वां हो जाएगा, एल 15वां हो जाएगा, और जी 20वां स्थान हो जाएगा, और बी 25वां स्थान हो जाएगा। मतलब इधर दाएं से बाएं की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, दाएं से बाएं की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो फिर वही 5, 10, 15, 20, 25, 5 के अंतराल पे जा रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ है। जैसे यहाँ पूरा ए से लेकर के जेड तक अक्षर दिया गया है, प्रत्येक चार लेटर के बाद पांचवा लेटर आता है। तो यहाँ पे ई आया है, ए बी सी डी ई आया है, पाँच होगा, एफ जी एच आई जे पाँच होगा। मतलब देखिए ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति यहाँ भी लिखा हुआ है, और ये 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से ये तो आपको कंफर्म याद हो ही जाएगा। और अब इसमें यदि आपको सवाल पूछे कि बताइए कि 18वां अक्षर
बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है? याद रखिएगा, यदि बाएं से पूछेगा तब जा करके हम ई ज्योति पे ट्रिक पे हम बनाएंगे, नहीं तो अगर दाएं से बोलेगा तो बस नीचे वाला ट्रिक अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको बाएं से हम पूछ रहे हैं कि बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है, तो इसमें आपको देखना क्या है कि 18 का निकटतम कौन सा है। 18 का निकटतम 15 है या 20 है, तो 20 है, तो 20 में से -2 होगा तो 18 होगा, यानी कि 20वां जो है कि टी है, 20वां क्या है टी है, तो टी से 2 माइनस जाएंगे तो आर आएगा, आर आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आर हो जाएगा। यदि ऐसा बोला जाता कि 15वां अक्षर का चौथा 15वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है, मतलब बाएं से 15वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप आपका बाएं देखेंगे, यहाँ पे बाएं से 15वां अक्षर ओ होगा और ओ के और बैक जाएंगे चौथा अक्षर, यानी कि एन एम एल के हो जाएगा, के आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं, जब आपको 5, 10, 15, 20, 25 या ई ज्योति याद रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप बाएं से भी देख सकते हैं, जैसे दाएं से, अब दाएं से में भी ए बी सी डी जेड तक लिखा हुआ है। अब इस जेड तक में अब यहाँ से हम भी से चलेंगे, तो भी मेरा 5वां है, क्यू 10वां है और एल 15वां अक्षर है, जी 20वां अक्षर है और बी 25वां अक्षर है। इसमें क्या है कि आपको ये याद हो गया है कि भी 5वां है, क्यू 10वां है और एल 15वां है, जी और बी, ये सब याद हो गया है, तो आप आसानी से इसके आजू बाजू का निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको भी के दाएं और बाएं कौन कौन सा अक्षर है, तो W और U है, Q के दाएं बाएं कौन सा है, तो RP है, PR है ना, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा और आप उसमें से माइनस प्लस करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि 12वां अक्षर दाएं से 12वां अक्षर कौन सा है, तो दाएं से 12वां अक्षर का क्या मतलब, हम इधर से भी मतलब जेड की ओर से जाएंगे, जेड की ओर से यदि जाएंगे तो क्या होगा 12वां अक्षर, यानी कि ओ 10वां अक्षर है, तो निकटतम 12 कौन सा होगा, 10 के निकटतम 12 होगा, यानी कि ओ मेरा आंसर हो जाएगा। क्यू निकटतम होगा तो क्यू का दूसरा कौन सा होगा, ओ हो जाएगा। इस तरह से यदि आपको इसमें पूछा जाए कि बताइए कि 22वां अक्षर दाएं से 22वां अक्षर कौन सा है, तो 22 निकटतम किसका है, 25 का या 20 का, तो 20 का निकटतम है, तो 20 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दिमाग में। तो चलिए आगे कुछ और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ ले और समझ ले, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो, आसानी से आप सॉल्व कर सके। इसके लिए ये कुछ ट्रिक है, इस ट्रिक को आप ज़रूर एक बार देख ले। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर यदि निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं एम माइनस वन। देखिए, एम के ठीक बाईं का मतलब हो गया उसका तुरंत बायां, तो एम माइनस वन हो जाएगा, तो एम में से एक घटा देंगे तो जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक दाईं ओर का अक्षर निकालना हो तो उसमें प्लस एक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर निकालना होगा, विपरीत क्रम में, याद रखना है कि सीधा क्रम और विपरीत क्रम दोनों ध्यान में रखना है। विपरीत क्रम में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर निकालना होगा तो भी हम एम प्लस वन करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एम के ठीक दाईं ओर का अक्षर निकालना होगा तो एम माइनस एन करेंगे।
अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब ये आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और ये सारा यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, उस ट्रिक को बाय कंसेप्ट आप बढ़िया से समझ करके आप बना सकते हैं। यदि आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे निकलेगा। तो आप सुविधा के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप या नोट डाउन कर सकते हैं।